हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं बहुत ही सिंपल डिजाइन लेकर आई हूँ। ये डिजाइन बहुत ही सिंपल है बनाने में, देखिए इजी है। ये डिजाइन सिर्फ देखिए 8 रोज का डिजाइन है, आपको 8 रो रिपीट करते जाना है, 1 से 8 रो तक ही। देखिए इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, जेंट्स जैकेट, लेडीज जैकेट, कार्डिगन, लेडीज कार्डिगन, बेबी कार्डिगन, बेबी जैकेट, ब्लैंकेट, फ्रॉक, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। देखिए बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। देखिए इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 4 में फंदा लेना होगा, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 4। देखिए रॉन्ग साइड पे से दिखता है ये डिजाइन, आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। रो 1 आपको राइट साइड से स्टार्ट करते जाना है। देखिए इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 4 3 टाइम्स 4 करके देखिए टोटल 12 फंदा डाला है। देखिए मल्टीपल ऑफ 4 करके 12 फंदा डाला है। देखिए रो 1 स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, एज स्टिच आपको स्लिप करना है। फिर देखिए यहाँ पर धागा आगे करना है। रिपीट पैटर्न स्टार्ट करने के पहले आपको 2 फंदा उल्टा बुनना है, 1 2 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे 2 फंदा उल्टा, 1 2। देखिए एक ही बार रिपीट हुआ है, 3 फंदा को छोड़कर 2 सीधा 2 उल्टा, फिर से रिपीट। देखिए धागा पीछे, 2 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा, 1 2। देखिए 2 डिजाइन कंप्लीट हुआ है, 3 फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए लास्ट में आपको एज स्टिच बचेगा सीधा बुनना है। अब देखिए रो 2 रॉन्ग साइड, एज स्टिच स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करने के पहले आपको 2 फंदा सीधा बुनना है, 1 2। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, देखिए धागे को आगे करना है। देखिए इस 2 उल्टे फंदा को, इस 2 उल्टे फंदे को आपको देखिए, इस 2 फंदा में आपको 3 फंदा निकालना है, फिर आपको 1 फंदा यहाँ से निकालना है। देखो टोटल आपको 4 फंदा निकालना है। देखिए इस 2 फंदा में कैसे निकालना है, देखिए उल्टे की साइड से आपको देखिए पहले आपको 3 फंदा निकालना है, 1 एंड 2 1 3। देखिए 3 फंदा ऐसे निकाला। अब आपको देखिए फर्स्ट फंदा आपको 1 फंदा उल्टा बुनना है, इससे आपको 4 फंदा निकालना है। देखिए 1 2 3 4, अब इसको ड्रॉप करना है। देखिए फिर धागा पीछे, अब 2 फंदा सीधा, 1 2। अब आपको ये रिपीट करना है, देखिए 3 फंदा को छोड़कर 2 फंदा में 4 फंदा निकालना है, फिर 2 फंदा सीधा। फिर से एक बार रिपीट करना है धागा आगे, देखिए 2 फंदा में 4 फंदा निकालना है, 1 एंड 2 फिर 3। अब देखिए फर्स्ट फंदा उल्टा बुनना है, 4। अब धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2। देखिए 2 डिजाइन कंप्लीट हुआ है, इस 2 फंदे को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए लास्ट में आपको एज स्टिच बचेगा उल्टा बुनना है। अब देखिए रो 3 राइट साइड, एज स्टिच स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे 2 फंदा उल्टा, 1 2। अब धागा पीछे, अब देखिए इस 2 फंदा में 4 फंदा निकला, फंदा में आपको 2 2 बार एन ओवर करके इस 4 फंदा को सीधा बुनना है। देखिए 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4। फिर धागा आगे करके आप 2 फंदा उल्टा, 1 2। अब आपको ये रिपीट करना है, देखिए इस 2 फंदा और इस स्लिप फंदा 3 फंदा को छोड़कर, देखिए 4 फंदा में आपको 2 2 बार एन ओवर करके 4 फंदा सीधा बुनना है, फिर लास्ट में 2 फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करते जाना है, फिर से रिपीट। देखिए 4 फंदा में 2 2 बार एन ओवर, 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4। फिर धागा आगे 2 फंदा उल्टा, 1 2।
देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है। इस तीन फंदा को छोड़कर फिर लास्ट में आपको एज स्टिच बचेगा सीधा। रो थ्री भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए रो फोर रॉन्ग साइड एज स्टिच स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट सॉरी धागा पीछे। अब दो फंदा सीधा एक दो। अब ये तीन फंदा को छोड़कर रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब आपको देखिए धागा आगे करना है। अब यहाँ पर देखिए रैप किया फंदा, देखिए एनओवर किया फंदा का आपको अनरैप करना है। एक दो तीन चार। अब इस देखिए इस चार फंदा में आपको दो फंदा निकालना है। कैसे निकालना देखिए, पहले आपको देखिए इसको चार फंदा के एक फंदा बनाइए इससे। अब देखिए अब दो फंदा ही लेना है आपको, दो फंदा को एक फंदा बनाइए। पहले आपको चार फंदा के एक फंदा बनाना है फिर दो फंदा को एक फंदा। इससे चार फंदा में आपको दो फंदा निकालना है। देखिए अब धागा पीछे दो फंदा सीधा एक दो। अब आपको ये रिपीट करना है। देखिए स्लिप फंदा धागा आगे करना है। अब यहाँ पर देखिए रैप किया फंदा, देखिए एनओवर किया फंदा का आपको अनरैप करना है। एक दो तीन चार। अब इस देखिए इस चार फंदा में आपको दो फंदा निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, पहले आपको देखिए इसको चार फंदा के एक फंदा बनाइए इससे। अब देखिए अब दो फंदा ही लेना है आपको, दो फंदा को एक फंदा बनाइए। पहले आपको चार फंदा के एक फंदा बनाना है फिर दो फंदा को एक फंदा। इससे चार फंदा में आपको दो फंदा निकालना है। देखिए अब धागा पीछे दो फंदा सीधा एक दो। अब आपको ये रिपीट करना है। देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर फिर दो फंदा सीधा को छोड़कर, तीन फंदा को छोड़कर चार फंदा में दो फंदा निकालना है फिर दो फंदा सीधा। अब ये रिपीट करते जाना है। फिर से धागा आगे, पहले देखिए अनरैप करना है एक दो तीन चार। अब चार फंदा में दो फंदा निकालना है। पहले दो का चार फंदा का एक फंदा बनाना है फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है। अब धागा पीछे दो फंदा सीधा एक दो। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ इस तीन फंदा को छोड़कर। फिर आज स्टिच बचेगा उल्टा बुनना है। अब देखिए रो फाइव राइट साइड। अब इस डिजाइन को आपको देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बनाना है। देखिए डिजाइन को एक्सचेंज करना है आपको। एज स्टिच स्लिप करना है। फिर देखिए अब यहाँ पर आपको दो फंदा सीधा बुनना है। देखिए उल्टा फंदा को सीधा बुनना है एक दो। अब रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है इस तीन फंदा को छोड़कर धागा आगे। देखिए इस सीधा फंदा के ऊपर आपको इस डिजाइन के ऊपर दो फंदा उल्टा बनाना है एक दो। फिर धागा पीछे दो फंदा अब सीधा एक दो। अब ये रिपीट करना है इस तीन फंदा को छोड़कर दो उल्टा दो सीधा। देखिए फिर से दो उल्टा एक दो फिर दो सीधा एक दो। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है। तीन फंदा को छोड़कर फिर एज स्टिच बचेगा सीधा बुनना है। अब देखिए रो सिक्स रॉन्ग साइड। रो सिक्स में आपको देखिए एज स्टिच स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना। अब यहाँ पर आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। दो फंदा के देखिए उल्टे फंदा में आपको चार फंदा निकालना है रो थ्री की तरह। देखिए एक एन ओवर दो तीन। फिर आगे के फंदे आपको उल्टे बनना है चार। अब धागा पीछे दो फंदे सीधा एक दो। अब आपको ये रिपीट करना है स्लिप फंदा को छोड़कर। दो फंदा में चार फंदा निकालना है फिर दो फंदा सीधा। फिर से देखिए धागा आगे। देखिए दो फंदा में चार फंदा निकालना है एक एन ओवर दो तीन। फिर फर्स्ट फंदा उल्टा चार। धागा पीछे दो फंदे सीधे एक दो। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है यहाँ पर स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा धागा आगे। दो फंदा में आपको चार फंदा निकालना है एक एन ओवर दो ये तीन। और फर्स्ट फंदे चार। फिर देखिए एज स्टिच आपको उल्टा बुनना है। अब रो सेवन राइट साइड। एज स्टिच स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब यहाँ से
देखिए, चार फंदे में आपको आपको दो 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 बार एन ओवर करना है। एक दो एक एक दो दो एक दो तीन एक दो चार, फिर धागा आगे करके दो फंदे उल्टे एक दो। अब आपके रिपीट करना है। देखिए, स्लिप फंदा को छोड़कर चार फंदे में दो दो बार एन ओवर करना है। देखिए, एक दो तीन चार, फिर दो फंदे उल्टे, फिर से रिपीट धागा पीछे, चार फंदे में दो दो बार एन ओवर, एक एक दो दो एक दो तीन एक दो चार, फिर धागा आगे दो फंदे उल्टे एक दो। देखिए, दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है स्लिप फंदे को छोड़कर। फिर देखिए, लास्ट में आपको पांच फंदे बचेगा, ये चार फंदा और एज स्टिच। देखिए, धागा पीछे, इस चार फंदे में दो दो बार एन ओवर करना है। एक दो एक एक दो दो एक दो तीन एक दो चार, फिर एज स्टिच सीधा। अब देखिए, रो एट रॉन्ग साइड एंड लास्ट रो, एज स्टिच स्लिप करना है। फिर देखिए, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब यहाँ से पहले आपको देखिए अनरैप करना है चार फंदा, एक दो तीन चार। इस फंदा को देखिए राइट नीडल पे लेकर इसे उल्टे की साइड से आपको दो का एक करना है, सर चार फंदा का एक फंदा बनाना है पहले, फिर आपको दो का एक करना है। इस चार फंदा में आपको दो फंदा निकालना है, फिर धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। अब यही रिपीट करना है स्लिप फंदा को छोड़कर, चार फंदा में दो फंदा निकालना है, फिर दो फंदा सीधा, फिर से रिपीट, धागा आगे, पहले चार फंदा अनरैप करना है, फिर चार फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो। देखिए, दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर। फिर लास्ट में आपको चार फंदा और एज स्टिच है, पांच फंदा को छोड़कर। देखिए, धागा आगे, चार फंदा अनरैप करना है पहले आपको, देखिए, फिर इस चार फंदा में दो फंदा निकालना है, चार फंदा का एक फंदा बनाना है पहले, फिर दो का एक करना है, ऐसे चार फंदा में दो फंदा निकालना है, फिर एज स्टिच उल्टा बुनना है। देखिए, रो एट कंप्लीट कर लिया है। रो एट में आपको सरी जाना है, आपको वन से एट रो तक ही रिपीट करते जाना है। फिर से ऐसे आपको रो वन से स्टार्ट करना है राइट साइड से। देखिए, फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। देखिए, लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।